Welcome to the Dream Valley. Today's my topic is capital letters and small letters for class nursery subject English. So let's start. Dear students, आपने पढ़ा है A से लेके Z तक. A से लेके Z तक जो आप पढ़ते हो तो इसको क्या कहते हैं alphabets. ये A से लेके Z तक जो है हरूफ इनको क्या कहते हैं alphabets. क्या कहते हैं dear students alphabets. तो ये कितने अल्फाबेट्स हैं 26. कितने अल्फाबेट्स हैं 26. डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ना है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल लेटर्स हैं स्मॉल लेटर्स. आज हम डिफरेंस देखेंगे कैपिटल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं एंड स्मॉल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स ए फॉर होता है एप्पल. क्या होता है ए फॉर एप्पल. तो अगर एप्पल ए फॉर एप्पल होता तो ऐसे एप्पल बना होता तो यहाँ पे भी एप्पल ही होता है. ए लिखा होता है तो ये वाला अब हम देखेंगे कि अगर इससे भी एप्पल होता है तो इससे भी एप्पल होता है. लेकिन हम देखेंगे ये वाला जो ए है ये कौन सा है और ये वाला ए कौन सा है. डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो ए है ये वाला है कैपिटल ए. कैपिटल ए ऐसे लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स और स्मॉल ए ऐसे लिखा जाता है. तो ए फॉर एप्पल. ए फॉर एप्पल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. तो ए के बाद जो अल्फाबेट्स आता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है बी. क्या होता है डियर स्टूडेंट्स बी. बी फॉर बॉल. बी फॉर क्या होता है बॉल. तो डियर स्टूडेंट्स अगर ऐसे बॉल बना होता है तो यहाँ पे भी बी लिखा होता है तो यहाँ पे भी बी लिखा होता है. तो अब हम देखेंगे ये वाला बी कौन सा है और ये वाला बी कौन सा है. डियर स्टूडेंट्स ये वाला बी जो है ये है कैपिटल बी और ये वाला बी जो है ये है स्मॉल बी. कैपिटल बी ऐसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों और स्मॉल बी ऐसे लिखा जाता है. थैंक्स हैव अ ग्रेट डे.